नवरात्रि में कन्या भोग के लिए बनाए आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी थाली। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में नौ कन्या पूजन करने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं। इस नवरात्रि इस तरीके से प्रसाद की पूरी थाली जरूर तैयार करें। फुल रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और कीर्ति के ट्विश किचन में आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। भोग का प्रसाद बनाने के लिए आप देसी घी या फिर मूंगफली के तेल का ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल, थोड़े से मेथी के दाने और आधा चम्मच जीरा। आप चाहें तो सूखी लाल मिर्च या फिर हरी मिर्च डाल दें। ये मैंने लिया है कद्दू, इसे मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे ढक देंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे खोलकर देखेंगे। आप देख रहे हैं कद्दू ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा हम इसमें कोई और एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर और बहुत ही जरा सा चीनी। जितना आप अमचूर पाउडर डालें उतना चीनी डाल दें। इससे क्या होगा कि कद्दू की सब्जी में खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा। इसे थोड़ा सा मिला लेना है और इसे ढक देना है। थोड़ी देर बाद हम इसे खोलकर देखेंगे। आप देख रहे हैं कद्दू बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हम पलटे से थोड़ा सा मसल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फ्रेश कटा हरा धनिया डाल के हम कढ़ाई उतार देंगे। कद्दू की सब्जी बनके तैयार है। भोग का प्रसाद बना रहे हैं इसलिए हम चना मसाला तो जरूर बनाएंगे। ये मैंने लिया है ग्रेवी बनाने के लिए एक टमाटर, तीन हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा और जो आपने चने भिगा के रखे हुए थे उसे कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा भून लें और फिर डालें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। कढ़ाई में चने डालने के बाद नमक तुरंत ऐड करें, नहीं तो चने छटकने लगेंगे। अब हम मसालों के साथ चने को थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था उसे भी डाल देंगे और इसके साथ भी बढ़िया सा भून लेंगे और कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है और थोड़ी देर बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। आप देख रहे हैं हमारे चने बिल्कुल बनके तैयार हैं। अब हम कढ़ाई गैस पर से हटा देंगे और पूरी के लिए आटा लगा लेंगे। ये मैंने लिया है एक कटोरी नॉर्मल गेहूँ का आटा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और एक चम्मच घी। ऐसा करने से जो पूरियाँ हैं वो बहुत ही मुलायम बनेंगी। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका आटा गूंथ लेंगे। आप जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हो ना, ठीक हमें वैसे ही आटा गूंथ के रख लेना है। आटा गूंथने के बाद हम थोड़ा सा घी और लगा लेंगे और इसे बढ़िया सा मसल के रख लेंगे। ये लीजिए हमारा आटा गूंथ के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें पूरी के लिए लोइयां काट लेते हैं। इस तरह से हाथों से मसल के हम छोटे छोटे टुकड़ों में लोई काट लेंगे। इसी तरह से हम सारी लोई बना लेंगे। अब हम थाली में लेंगे थोड़ा सा परथन, यानी कि थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लेंगे और एक लोई ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा परथन लगा लेंगे और उसे हाथों से फैला देंगे और फिर चौके पे उसे बेल लेंगे। ठीक इसी तरह से हम सारी पूरियां बना लेंगे। आप देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी पूरियां बनके तैयार हो गई। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके सारी पूरियों को फ्राई कर लेंगे और पलटे से तेल ऊपर डालते रहेंगे। इससे हमारी सारी पूरियां फुली फुली बनेंगी। ठीक इसी तरह से हम सारी पूरियां फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। कन्या भोग के लिए आप जब भी प्रसाद बनाएं तो ये सोच के बनाएं कि आप देवी माँ के लिए प्रसाद बना रहे हैं और बहुत ही सफाई से बनाएं, बिना लहसुन प्याज के बनाएं और घी या फिर मूंगफली के तेल में ही बनाएं। ये लीजिए हमारी सारी पूरियां फ्राई हो चुकी हैं। अब हम गैस पे वही कढ़ाई चढ़ा देंगे और उससे सारा ऑयल बाहर निकाल देंगे। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच के करीब घी डाल देंगे और उसमें एक कटोरी सूजी डाल देंगे। इसे थोड़ा सा मिला के इसे भी बढ़िया सा भून लेंगे। सूजी बढ़िया से लाल हो गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे।
आपने जितना सूजी लिया था उसके बराबर चीनी ले लें और फिर एक हाथ से पलटे से चलाते रहेंगे और दूसरे हाथ से पानी डाल देंगे। जिस कप से आपने एक कप सूजी लिया है तो उसी कप से 3 कप पानी डाल दें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसे भी बढ़िया सा मिक्स कर देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सूजी का हलवा बनके तैयार है। अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। आप जब भी कोई भी हलवा बनाएं उसमें लास्ट में 1 चम्मच घी जरूर डालें, इससे जो हलवे का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और गैस बंद कर देंगे। कन्या भोग के लिए हमारी थाली बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व कर देते हैं। कन्या पूजन के लिए ये प्रसाद की थाली मात्र 30 मिनट में बन के तैयार हो गई। ये बिल्कुल सात्विक थाली है, बिना प्याज लहसुन के। अगर आप चाहें तो नमक की जगह सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो गया और इसका टेस्ट भी अमेजिंग है। प्रसाद की थाली आप जब भी तैयार करें उसमें कोई फ्रूट और मिठाई जरूर रखें। फटाफट से बन जाने वाली ये कन्या पूजन के प्रसाद की थाली आप जरूर ट्राई करें और बहुत ही प्यार और श्रद्धा से 9 कन्याओं का पूजन करें और नवरात्रि मनाएं। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये मजेदार रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।